हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कॉम्पिटिशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही प्यारी वीडियो है, तो आइए स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन नंबर 153 से। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन स्टार्टिंग होने से पहले हम लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे और हम हर क्वेश्चन लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से ही करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 153, एक सब्जी विक्रेता अपनी सब्जियां 20% लाभ पर बेचता है। देखिए, यहां तक की लाइन को हम लिखेंगे सब्जी विक्रेता का क्रय मूल्य 100 था और वह उसको 20% लाभ पर बेचता है, यानी कि 120 में बेचता है। देखिए, यहां तक हो चुका। बेचते समय वह गलत भार का प्रयोग करता है। देखिए, गलत भार का प्रयोग करके बेच रहा है और कह रहा है कि मुझे 20% का लाभ होता है, जो वास्तविक भार से 10% कम निकलता है। देखिए, बेचते समय में गलत भार का प्रयोग करता है जो वास्तविक भार से, देखिए वास्तविक भार यहां से 10% कम निकलता है, इससे 10% कम निकलता है, यानी कि 90 रह जाता है, 100 का 10% कम, 10 कम हो गया तो 90 रह गया। कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखिए, कुल लाभ प्रतिशत, अब हमारा क्रय मूल्य 90 हो गया और विक्रय मूल्य है 120, तो यहां से हम कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे। 90 से 120 30 बढ़ रहा है, अब 90 पर 30 कितना परसेंट का लाभ है ये हमें मालूम करना है। देखिए, तो लाभ परसेंट निकालना है 90 पर 30 का लाभ, 30 ही कम 30, 30 के 90। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि भिन्नों में यदि 1/3 आ जाए तो प्रतिशत में लिखेंगे 33 से ही 1/3 या 33.33% का लाभ, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 33 से 1/3% का लाभ, या ऐसे लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया 33.33% का लाभ, ऑप्शन सी है 33.33%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि किसी वस्तु पर 15% की हानि होती है, देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुल परसेंट की बात आ जाए तो 100 माना जाता है, किसी वस्तु का मूल्य 100 है और उस पर यदि 15% की हानि हो जाए। देखिए, उसका लागत मूल्य 100 है और जब उस पर 15% की हानि होती है तो उसे बेचा जाता है 85 में। 100 पर 15% की हानि 85 में बेचा जाएगा, तो यहां से हमें वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य मालूम हो गया है। तब पूछा है उस वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताओ। देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बन चुका है, इसको सरल करके छोटा करने पर ही हमारा अनुपात आ जाएगा। देखिए, काटते हैं इसको, 5 से काटेंगे, 5 × 10 और इसको काटेंगे, 5 × 10 = 20 पर, और 5 + 5 = 3 हो गए 35, 5 × 7 = 35। तो देखिए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य 20, विक्रय मूल्य 17, तो 20 और 17 का अनुपात है। क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में अनुपात 20 और 17। क्वेश्चन नंबर 155 बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, गोपी किसी वस्तु को खरीदने के लिए स्थान ए से स्थान बी तक जाता है। देखिए, स्थान ए से स्थान बी तक जाता है क्योंकि स्थान बी पर वह वस्तु, यहां पर वह वस्तु 15% कम मूल्य पर मिलती है। यदि यहाँ 100 पर मिलती है तो यहाँ पर 15% कम, यानी कि 85 में मिलती है। देख लीजिए आप, यहां से यहां तक क्लियर हो गया।
यदि आने जाने में उसके 150 रुपए खर्च हो जाते हैं, यहाँ से गया और फिर वापस आया 150 रुपए लेके, तब भी उसे स्थाने से उसे खरीदने की तुलना में यहाँ पर 150 रुपए का लाभ होता है। तो देखिए, जाने आने में 150 रुपए का खर्च हुआ और खर्च होने के बाद भी उसे 150 रुपए का लाभ होता है यदि वह स्थान बी से वस्तु खरीदे। तो देखिए, 150 तो यहाँ पर उसके आने जाने के खर्च में लगे और 150 का लाभ हुआ, तो इसे यहाँ पर स्थान बी से वस्तु खरीदने पर टोटल लाभ हुआ उसको कितने का? देखिए, 150 रुपए का लाभ ये हो गया, 150 रुपए आने जाने के भी यहीं से उसने निकाल लिए, तो 300 रुपए हो गए ये 150 लाभ के और 150 खर्चे के। तो 300 रुपए के लाभ या 300 रुपए बचत होती है, 300 रुपए की बचत हो जाती है यदि वह स्थान ए की अपेक्षा स्थान बी से वस्तु खरीदे, तो उसको 300 रुपए की बचत होती है। और यहां से हमने यहां से उसे 15% की बचत होती है। कितने परसेंट की बचत होती है? देख लीजिए, 15% की। तो हमारा कॉन्सेप्ट बन गया लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल। लैंग्वेज से हमने सारा मैटर तैयार कर लिया और इक्वल टू इक्वल यहाँ पर बना रहे हैं। 300 रुपए की बचत यहाँ 15% की बचत के बराबर है। तो देखिए, यहाँ से जैसे हम इसको हल करेंगे तो वस्तु का लागत मूल्य आ जाएगा, वस्तु कितने में खरीदी थी। 15 से 300 को काटूंगा 20 बार और परसेंट के 20, तो उसने वह वस्तु खरीदी थी 2000 रुपए की। अब देखिए, उसका लाभ प्रतिशत बताना है, तो बहुत ही आसानी से हल कर लेंगे लाभ प्रतिशत। तो देखिए, लाभ प्रतिशत, देखिए हमेशा मैंने बताया है कि लाभ या हानि क्रय मूल्य पर ज्ञात की जाती है। तो हमारे वस्तु का क्रय मूल्य 2000 रुपए है और इसके ऊपर उसने 150 रुपए का लाभ, ये लाभ कमाया है। देखिए, ये तो खर्च में आ गए, आने जाने के खर्चे में आ गए, जबकि यहां से ये 300 रुपए उसने यही से पाई है, लेकिन ये फिर भी आने जाने के खर्च में लगे और शुद्ध लाभ रह गया उसका। खर्च होने के बाद 150 रुपए लाभ रह गया, तो 2000 पर 150 रुपए लाभ निकालेंगे, तो इसको परसेंट में हल करेंगे, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, तो हमारा लाभ परसेंट आ जाएगा। देखिए, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 15/2 को लिखेंगे 7.5% का लाभ। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 7.5% का लाभ, ऑप्शन सी है। देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन किया है मैंने। अब आपके सामने ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 156। एक टेप रिकॉर्डर को 1040 में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का लाभ होता है। देखिए, विक्रय बराबर विक्रय, 1040 में बेचने पर बेचा तो इधर 4% का लाभ हुआ, 100% में जोड़कर लिखते हैं, बताया था मैंने 104% में बेचा। अब जैसे विक्रय से विक्रय को काटेंगे तो वस्तु का यानी कि टेप रिकॉर्डर का क्रय मूल्य आ जाएगा, तो काटते हैं यानी कि 104 एकम 104 और ये 0 यानी कि 10 बार कट गया ये, और परसेंट के 20 ये लगाई, तो हमें मालूम हो गया वस्तु का लागत मूल्य था 1000 रुपए। देख लीजिए, वस्तु का लागत मूल्य था 1000 रुपए। अब वह व्यक्ति इसे का मतलब ये 1000 की वस्तु को 950 रुपए में बेच रहा है। देखिए, 950 रुपए में बेचता है तो उसे कितने परसेंट हानि होगी? देखिए, खरीदी थी 1000 में, बेच रहा है 950 में, तो हानि हो रही है 50 रुपए की, तो हमें हानि परसेंट ज्ञात करनी है। देखिए, हानि परसेंट, और हानि हमेशा मैंने बताई थी हानि या लाभ क्रय मूल्य के ऊपर ज्ञात किया जाता है। वस्तु का क्रय मूल्य 1000 रुपए और इस पर 50 रुपए की हानि हो गई है, और परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह लगा देंगे,
दो जीरो से दो जीरो, एक जीरो से एक जीरो, एक से पांच को भाग करेंगे, एक पंजा पांच, 5% की हानि। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया 5% की हानि, ऑप्शन ए है 5% की हानि। क्वेश्चन नंबर 157, एक टीवी 5% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाता। देखिए इस लाइन को हम समझते हैं, देखिए 5% के लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 10% के लाभ पर, 5 से 10% कर दिया उसने लाभ पर बेचा गया है, यानी यहां से यहां तक आने में उसे कितना लाभ उठाना पड़ रहा है, 5% लाभ उठा रहा है। देखिए 5% का लाभ ले रहा है, 5% के लाभ पर बेचना चाह रहा था, फिर कहने लगा यदि मैं इसे 10% के लाभ पर बेचूं तो कितना लाभ लेना चाह रहा है, 5% अतिरिक्त लाभ ले रहा है, 5% अधिक लाभ ले रहा है। यहां तक हो गया, तो 1000 रुपए अधिक लाभ होता है। तो देखिए लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल तैयार हो गया, यहां पर उसने 5% अधिक लाभ बढ़ाया, जैसे ही 5% अधिक लाभ हुआ उसी समय 1000 रुपए अधिक लाभ हो जाता है, तो 5% के बराबर हो गया 1000 रुपए अधिक। यहां 1000 का लाभ है, इधर 5% का लाभ है, तो लाभ से लाभ को काट दीजिए, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए 5 से 1000 को काटेंगे 200 बार कटेगा, 5 × 10 और 2 जीरो, अब परसेंट की 2 जीरो ये लगेगी, तो वस्तु का क्रय मूल्य हो गया 20,000 रुपए। देखिए बहुत ही आसानी से कर दिया, ऑप्शन ए है 20,000 रुपए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक स्टोर में लागत मूल्य का 25% लाभ पर घड़ी बेची जाती है। देखिए लैंग्वेज से लिखूंगा, लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य का या के आ जाए, गुणा का चिन्ह होता है, 25% लाभ पर बेची जाती है। तो देखिए 25% लाभ को कैसे लिखेंगे हम, 25% के 2 जीरो और लाभ पर बेची जाती है, यानी कि लागत मूल्य का 25% लाभ, लागत मूल्य का 25% लाभ, ये लाभ हुआ है। तो यहां से हम इसको देखते हैं, 25 एकम 25 25 चौका 100 और बटे का मान अपना, बराबर का मान अपना होता है, तो यहां से हमें पता लग रहा है लाभ 1 का है और क्रय मूल्य 4 है। देखिए क्रय मूल्य 4 है और उसमें लाभ 1 का है, तो लाभ 1 तभी होगा जब उसको बेचा जाएगा, क्रय मूल्य में लाभ भी जोड़ दे तो विक्रय मूल्य हो जाता है 5। तो देखिए यहां से हमें विक्रय मूल्य प्राप्त हो गया। अब इसमें कहा है विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत कितना है, तो विक्रय मूल्य के ऊपर हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि लाभ परसेंट क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है और कभी कभी विक्रय मूल्य पर भी ज्ञात किया जाता है, तो ये वही बात आ गई कि कभी कभी विक्रय मूल्य पर भी लाभ परसेंट ज्ञात किया जाता है। तो देखिए विक्रय मूल्य के ऊपर हमें लाभ निकालना, तो विक्रय 5 है, 5 पर लाभ हमारा 1 है, तो 1/5 कितना हो गया 20%, तो 20% का लाभ हुआ। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी 20% का लाभ, या फिर हम इसको एक मेथड से भी और कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो देख लेना। ये देखिए यहां पर लागत मूल्य के 25% लाभ पर घड़ी बेची जाती है, यानी कि अगर हम इसको देखे लागत 100 है और जब बेची जा रही विक्रय 125 हो गया, 100 में 25 जोड़कर लिखेंगे। अब देखिए यहां से हमें पता लग रहा है 25 का लाभ है, अब विक्रय मूल्य के ऊपर लाभ पूछा है, तो इसमें कितने का लाभ हो रहा है 25 का,
किस पर हो जाए विक्रय मूल्य पर लाभ परसेंट बताओ, तो विक्रय मूल्य 125 पर 25 का लाभ, तो 25 कम 25, 25 पंजे 125, डेरे हो गया हमारा 1/5, हम लिखेंगे 20% का लाभ। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सेकंड मेथड है ये इसका, तो 20% का लाभ, ऑप्शन बी है 20% का लाभ। क्वेश्चन नंबर 159, ए ने घड़ी 5% लाभ पर बी को बेचा और बी ने उसे 4% लाभ पर सी को बेचा, सी ने उसके लिए 91 रुपए अदा किए, तो ए ने उसे कितने में खरीदा। देखिए ए ने उसे खरीदा था, ये पता करना है कितने में खरीदा। तो देखिए ए ने खरीदी हुई वस्तु को बी को 5 के लाभ पर बेचा, 100 में जोड़कर लिखेंगे 105/100, फिर इस खरीदी हुई चीज को बी ने सी को 4% लाभ पर बेचा, 100 में जोड़कर लिखेंगे 104/100, और सी ने उसके 91 रुपए दिए, यानी सी ने उसे 91 रुपए में खरीदा। हो क्या देखिए, लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल, बराबर के बराबर। अब हम इसको हल करेंगे और ये पता करेंगे कि ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था। अब देखिए इसको हल करते हैं, 5 से काटते हैं, 5 × 10, 5 × 5, 5 × 20 बार, और 4 से काटते हैं, 4 × 2 2×24, 4 × 6 = 24, 4 × 25। अब 2 × 10 बार कटेगा, 2 × 13 बार कटेगा, 13 × 7 = 91, 7 × 3 = 21। तो देखिए 3 की और k की गुणा करेंगे और ये बटे का मान इधर भेज देंगे, तो हमारा लागत मूल्य हो जाएगा 25 × 250/3, ऐसे लिखेंगे। अब इसको हम हल करेंगे, 3 × 8 = 24, 1 बज गया, हो गया 10, 3 × 3 = 9, 1 बज गया 10 मिनट, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, तो 83 रुपए 33 पैसे। तो देखिए ए ने उसे खरीदा था 83 रुपए 33 पैसे में। देखिए बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हल हो रहे हैं और आगे भी इसी प्रकार से क्वेश्चन हल होते रहेंगे, लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से। तो आप देखिए सबसे खतरनाक और सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, और इससे अच्छा या इससे ऊपर और नहीं मिलेगा, क्योंकि और जो आपको पढ़ाया जाता है तो या तो ट्रिक्स में या शॉर्टकट में या XYZ में या सूत्रों में पढ़ाया जाता है, और उसको आप अच्छी तरह समझ नहीं पाते हैं। और ये हमारा एक एक लैंग्वेज के एक एक शब्द से आपको इक्वल टू इक्वल करके समझाया जाता है। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन है, आप मिलान कर लीजिए। यदि प्रकाशक द्वारा पुस्तक विक्रेता को एक पुस्तक के अंकित मूल्य, अंकित मूल्य जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, अंकित मूल्य वस्तु पर छपा हुआ मूल्य होता है, यानी कि MRP होता है, उस पर प्रिंट वैल्यू छपी होती है, उसको बोलते हैं अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य पर 10 की कमीशन, कमीशन का मतलब 10% की छूट दी जाती है पुस्तक विक्रेता को। देखिए अगर 10% की छूट दी जाती है तो वह 90% में बेचा जाता है, ध्यान से देखना, 10 की छूट हो गई तो 90% में बेचा जाता है। तो प्रकाशक को, यानी प्रकाशक ने जब पुस्तक विक्रेता को 10 की छूट दी है ना, फिर भी प्रकाशक को 20% का लाभ होता है। तो देखिए फिर भी प्रकाशक को इधर लिखेंगे 20% का लाभ होता है, 100 में जोड़कर लिखेंगे 20% का लाभ, 120%। यदि कमीशन को 15% बढ़ाया जाता है, देखिए पहले कमीशन इधर दी थी, अब कमीशन इधर करेंगे, क्योंकि तभी तो इक्वल टू इक्वल होगा, बराबर के बराबर। यदि कमीशन 15% बढ़ाया जाता है, यानी 15% कमीशन दिया जाता है, तो 85% में बेचा जाएगा, देखिए, तो उसका लाभ परसेंट बताओ कितना होगा। देखिए ये हो गया हमारा इक्वल टू इक्वल, बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट है ये, बहुत ज्यादा खतरनाक है, देख लीजिए। अब इसको हम हल करेंगे, 30 × 90 = 120,
परसेंट से ये परसेंट था, इन दोनों की गुणा करके तीन से भाग कर देंगे, लाभ परसेंट आ जाएगा। चार पंजे बीस, दो चार अट्ठे बत्तीस, दो चौतीस, 340/3। देखिए तीन से तीन एकम तीन, तीन एकम तीन, और एक बज गया हो गया 10, तीन तीन नौ, एक बज गया 3। तो यहां से हमें पता लग रहा है 113 से 1/3। अब हम जैसे कि 100 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन हल कर रहे हैं, 100% के अकॉर्डिंग, तो हमें पता लग रहा है यह 100 से कितना ज्यादा है, 100 से यह 13 से 1/3% ज्यादा, क्योंकि यह 113 से 1/3 है, तो 100 से ज्यादा है 13 से 1/3%, और यही हमारा लाभ परसेंट कहलाता है। तो 13 से 1/3% का लाभ होगा। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी, 13 से 1/3% का लाभ। क्वेश्चन नंबर 161, देखिए क्वेश्चन नंबर 161 बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो इसको हम बहुत ही आसान बनाएंगे, बस आपको इसकी लैंग्वेज को ध्यान रखना है, और लैंग्वेज के बाद इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हल करेंगे। तो देखिए इसको बहुत ही प्यारे तरीके से बहुत ध्यान से समझना। एक दुकानदार के पास एक ही क्रय मूल्य की, यानी कि एक ही क्रय मूल्य उसे बोलते हैं समान समान, है ना। जैसे एक पुस्तक का क्रय मूल्य 50 रुपए है, अन्य पुस्तक भी 50-50 रुपए वाली है, तो उसे बोलते हैं एक ही क्रय मूल्य की। अब चाहे जितनी किताबें हो या पुस्तकें हो, एक ही क्रय मूल्य की बात कर रहा है, तो एक ही क्रय मूल्य की 11 पुस्तकें हैं, यानी 11 पुस्तकें ऐसी पुस्तकें हैं जिनका क्रय मूल्य समान है। वह पहली पुस्तक को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है। देखिए यहां तक हम क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखेंगे, यानी कि पहली पुस्तक को, 11 पुस्तकें हैं, उनमें से पहली पुस्तक को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है। तो देखिए यदि एक पुस्तक का क्रय मूल्य, यानी कि पहली पुस्तक का क्रय मूल्य, पहली पुस्तक का क्रय मूल्य अगर के रुपए है, देखिए के रुपए एक निश्चित मूल्य बना लिया, कुछ भी मान लीजिए, के रुपए, एक्स रुपए, वाई रुपए, कुछ भी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। ये तो मैंने पहचान के लिए आपको लिखा है, ताकि आपको भूलने में या कंफ्यूजन होने में कोई दिक्कत ना आए, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बस के रुपए मान लीजिए, एक निश्चित मूल्य है के रुपए, देखिए पहली पुस्तक का क्रय मूल्य के रुपए है, और ऐसी 11 पुस्तकें हैं, तो 11 पुस्तकों का क्रय मूल्य हो गया 11 के रुपए। देखिए 11 पुस्तकों का क्रय मूल्य हो गया, एक पुस्तक का के रुपए है, 11 का हो गया 11 के रुपए हो गया। देखिए 11 के रुपए हो गए, 11 पुस्तक खरीदी थी 11 के रुपए में, यहां तक हो गया। अब देखो वो कह रहा है, फिर उसके बाद वह, देखो वह पहली पुस्तक को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है। देखो यहां तक तो हमारी लैंग्वेज ये हो गई, यहां तक तो ये हो गई, एक पहली पुस्तक का क्रय मूल्य के रुपए, 11 पुस्तकों का कुल क्रय मूल्य 11 के रुपए, यहां तक हमारी लैंग्वेज कंप्लीट हो गई। अब हम कह रहे हैं पहली पुस्तक को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है। अब देखिए विक्रय मूल्य निकालेंगे हम, और पहली पुस्तक को वह एक निश्चित मूल्य यानी कि 20 रुपए में बेचता है। देखो के फोर खरीदना और वी फोर विक्रय करना बेचना, मैंने के और वी इसीलिए लिए ताकि आप के से खरीदना और वी से विक्रय करना आपको समझ में आ जाए।
पहली पुस्तक को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है। देखिए पहली पुस्तक हो गई, फिर उसके बाद, फिर का मतलब प्लस लगाएंगे, उसके बाद वह दूसरी पुस्तक को विक्रय मूल्य से, ये जो विक्रय मूल्य है उससे एक रुपया कम के मूल्य पर बेचता है। देखिए यहां तक आ गए हम, पहली पुस्तक से एक रुपया कम में बेचता है, ये हो गया दो पुस्तक बेच दी उसने। और फिर तीसरी पुस्तक को अब प्लस लगाएंगे, तीसरी पुस्तक को दूसरी पुस्तक के विक्रय मूल्य से एक रुपया कम में, दूसरी पुस्तक का विक्रय मूल्य यह है वी माइनस एक, फिर माइनस एक रुपया कम करेंगे तो यह वी माइनस दो हो जाएगा, ऐसे तीसरी पुस्तक ये बन गई वी माइनस दो, इतने रुपये में बेचता है। देख लीजिए समझाया है मैंने यहां पर, ये तीसरी पुस्तक बेच दी उसने और इसी क्रमानुसार वह 11 पुस्तक बेच देता है। तो अब हम 11 पुस्तक तक इसी क्रमानुसार चलेंगे। देखिए इसके बाद v माइनस तीन हो जाएगा, देखो जैसे v माइनस वन, v माइनस दो, v माइनस तीन, v माइनस चार, v प्लस लगाएंगे, विक्रय माइनस हो गया पांच, प्लस विक्रय माइनस छह, प्लस विक्रय माइनस सात, प्लस विक्रय माइनस आठ, प्लस विक्रय माइनस नौ, और प्लस यहां लिख लूंगा विक्रय माइनस दस। तो देखिए 11 पुस्तकें बेच दी उसने, गिन लीजिए, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह, 11 पुस्तकें बेच दी। अब इनको पहले हम हल करेंगे, एक भी दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह भी, 11 भी हो गया जोड़ने पर, और माइनस का चिन्ह आएगा, ये सभी में माइनस 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 है, इनको जोड़ लीजिए। देखिए जोड़ लीजिए, एक देखो यहां से जोड़ते हैं, दस तो ये हो गया, दस तो ये हो गया, नौ और एक दस ये हो गया, देखिए आठ और दो दस ये हो गया, देखिए सात और तीन दस ये हो गया, देखिए और छह और चार दस ये हो गया, देखिए और पचास तो ये हो गया, दस बीस तीस चालीस पचास और पांच ये हो गया, तो पचपन हो गया, जोड़ लिया मैंने, आप भी जोड़ सकते हैं ऐसे। तो हमारा ग्यारह बी माइनस पचपन हो गया, इतने में बेच दी उसने सभी 11 पुस्तकों को, इतने में बेच दिया, यहां तक हो गया। देखिए यदि हम इसे आगे हल करें तो 11 कॉमन आ रहा है, 11 वी माइनस 11 बन जाए पचपन, इतना हो गया हमारा। इसके बाद आगे कॉमन लेने के बाद अब आगे कह रहा है, यदि वह छठवीं पुस्तक को क्रय मूल्य पर बेचता। देखिए छठवीं पुस्तक देखिए कहां है, एक दो तीन चार पांच छठवीं, ये छठवीं पुस्तक को क्रय मूल्य पर बेचता। क्रय मूल्य मैंने के माना है, क्रय मूल्य ये रहा, छठवीं पुस्तक को क्रय मूल्य पर बेचता, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है, के 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 रुपए होगी इसकी कीमत, वी माइनस पांच की के रुपए में बेचेगा। ये रहा मेरा वी माइनस पांच, यहां पर हम लिखेंगे 11 और वी माइनस पांच का हो गया के, 11 के। तो वह सारी पुस्तकें इस प्रकार बेच देता है 11 के रुपए में। देखिए सभी 11 पुस्तकों को इस प्रकार बेचेगा 11 के रुपए में, यहां तक हमारा क्वेश्चन हल हो गया यहां तक। तो सभी 11 पुस्तकों के विक्रय मूल्य पर लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताओ। तो देखिए सारी की सारी 11 पुस्तकों का विक्रय मूल्य ये हो गया और 11 पुस्तकों का क्रय मूल्य हो गया ये 11 के। देखिए खरीदी थी 11 के रुपए में और बेच रहा है 11 के रुपए में, जितने रुपए में खरीदी उतने रुपए में बेच रहा है, तो उसे ना लाभ होगा और ना हानि, देंगे दोनों बराबर राशि आ गई। तो इसलिए हमारा क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी है, नो प्रॉफिट नो लॉस, या लिख सकते हैं न लाभ न हानि। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी, न लाभ न हानि।
तो इसको फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी तरीके से आप एक बार रिपीट करके समझ लेना, समझ में आ जाएगा। एक एक वर्ड के अनुसार इसकी लैंग्वेज को समझाकर मैंने एंट्री बनाई है और इसको हल किया है, आपकी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 162। एक व्यापारी ने 150 रुपए में गिफ्ट बॉक्स खरीदा। देखिए 150 रुपए में खरीदा, 150 रुपए में गिफ्ट बॉक्स खरीदा, उस गिफ्ट बॉक्स का अंकित मूल्य क्या होना चाहिए? देखिए इस बॉक्स का अंकित मूल्य क्या होना चाहिए, उसका क्रय मूल्य तो हो गया 150 रुपए अंकित मूल्य पूछा है, एक और अंकित मूल्य पूछा है, अंकित मूल्य क्या होना चाहिए ताकि 10% की छूट देने के बाद भी वह 10% का लाभ प्राप्त कर सके। देखिए इस लाइन को समझना, 10% की छूट, जैसे कि मैंने बताया था छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, तो अंकित मूल्य पर 10 की छूट दे रहा है तो 90% में बेच रहा है और बेचने के बाद भी वह 10% का लाभ प्राप्त कर सके। तो 10% का लाभ, तो लाभ हमेशा मैंने बताया था क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है, क्रय मूल्य यह है, क्रय मूल्य पर 10% का लाभ हो गया 110%। तो देखिए यहां से हमें अंकित मूल्य ज्ञात हो जाएगा, तो आप इसको हल करते हैं, परसेंट से परसेंट काटा और 30 90, 30 5 150, 11 55 550 और बटे का 3 नीचे आ जाएगा बराबर अंकित मूल्य। तो देखिए अंकित मूल्य पूछा है, तो इसको हल करेंगे, 3 × 3 2 बज गया हो गया 25, 3 × 8 = 24, 1 बज गया हो गया 10, 3 × 3 = 9, 1 बज गया 10 हो जाएंगे, 3 × 3 = 9, तो 183 रुपए 30 पैसे में उसको अंकित मूल्य को दर्शाता है। तो देखिए गिफ्ट बॉक्स का अंकित मूल्य हो गया 183 रुपए 30 पैसे। क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा और खतरनाक क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। अरुण ने 120 रुपए में 1 किलोग्राम सेब खरीदा और वह 25% लाभ पर स्वाति को बेचता है। देखिए स्वाति ने उसे कितने रुपए में खरीदा? देखिए 120 पर 25% का लाभ हो गया 125, 100 में जोड़ कर लिखेंगे बटे 100। तो स्वाति ने उसे खरीदा कितने में? स्वाति ने खरीदा, ये पता लग जाएगा। देखिए 20 × 120 500, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25, 25 × 150 = 150। स्वाति ने वह 1 किलो सेब 150 रुपए में अरुण से खरीद लिया। तो देखिए स्वाति ने 150 रुपए में खरीदा, हमारी बात यहां तक कंप्लीट हो गई। अब कहा है स्वाति उन्हें, यानी उस 1 किलो सेब को जो उसने 150 रुपए में खरीदा था उन्हें दिव्या को बेच देती है, दिव्या को, जो उन्हें फिर से दिव्या 10% के लाभ पर 198 रुपए में स्वाति को बेच देती है। तो अब देखिए ये है दिव्या ने इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट यूज करना है, 198 रुपए में 10% के लाभ पर स्वाति को बेच दिया। तो देखिए 198 रुपए में बेचा, इधर 10 के लाभ पर 100 में जोड़ कर लिखेंगे 110% में बेच दिया। देखिए विक्रय बराबर विक्रय हो गया, जब विक्रय से विक्रय को काटेंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा दिव्या का, दिव्या ने उसे स्वाति से कितने रुपए में खरीदा था। तो देखिए इसको करते हैं, परसेंट की 2 जीरो लगाएंगे, 1 जीरो से इसे काटा, 11 × 1 = 11, 8 × 8 = 88, 11 × 8 = 1 जीरो 180। तो 180 रुपए में दिव्या ने उसे खरीदा था, दिव्या देखिए दिव्या ने उसे खरीदा था 180 रुपए में। अब देखिए किससे खरीदा था? स्वाति से खरीदा था, स्वाति से खरीदा था, स्वाति को वह 150 रुपए में पड़ा था यानी खरीदा था, स्वाति ने उसे दिव्या को बेच दिया 180 रुपए में, यानी कि दिव्या ने स्वाति से 180 रुपए में खरीदा, अर्थात हम कह सकते हैं स्वाति ने दिव्या को 180 रुपए में बेचा। तो 150 रुपए की चीज 180 में बेचेंगे है, 30 रुपए का लाभ हो रहा है 150 में, तो स्वाति का लाभ परसेंट आ जाएगा। देखिए
150 रुपए पर 30 रुपए का लाभ, 30 × 20 महीने 150, 1/5 को ले देंगे 20%, तो 20% का लाभ होगा। तो देखिए स्वाति का लाभ प्रतिशत है 20%, क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी 20% का लाभ। क्वेश्चन नंबर 164, कोई व्यक्ति एक मेज और एक कुर्सी 500 रुपए में खरीदता है। देखिए मेज और कुर्सी का कुल लागत मूल्य है 500 रुपए, यहां तक क्वेश्चन हो चुका। वह मेज 10% आने पर और कुर्सी 10% लाभ पर बेचता है। देखिए मेज और कुर्सी, देखिए मेज 10 की आने पर है तो 90% में बेचता है, कुर्सी 10 के लाभ पे है तो 110% में बेचता है, फिर भी उसे कुल मिलाकर 10 रुपए का लाभ होता है। देखिए 500 रुपए पर 10 का लाभ हो गया 2%। देखिए 500 रुपए पर 10 रुपए का लाभ, 100% का चिन्ह, 2 0 से 2 0, 5 × 10 2% का लाभ, 100 में जोड़कर लिखेंगे 102%। एलिगेशन कॉन्सेप्ट से हल होगा ये, आमने सामने का अंतर लिखेंगे इसे, दोनों का अंतर हो गया 8%, इन दोनों का अंतर हो गया 12%, काट कर छोटा करें, 4 × 8, 4 × 12, 3 × 2 का अनुपात, ये इनके क्रय मूल्य का अनुपात हो गया। कुर्सी और मेज की कुल लागत 500, यहाँ दोनों की कुल 3 × 2 = 5 हो गया, इक्वल बराबर के बराबर, काटेंगे इसको 5 से 100 भाग। अब इन्हें कुर्सी का क्रय मूल्य पूछा है, कुर्सी का क्रय अनुपातिक रूप में 3 है, 3 में गुणा करेंगे, 100 × 3 = 300। देखिए कुर्सी का क्रय मूल्य हो गया 300 रुपये, ऑप्शन सी है 300 रुपये। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विक्रेता 15% की छूट देता है। देखिए छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, 15 की छूट देता है तो 85% में वह वस्तु को बेच देता है ग्राहक को, और ग्राहक किसी वस्तु के लिए 318.75 रुपए की राशि पर उसे खरीद लेता है तो वस्तु की सूची कीमत ज्ञात करो। सूची कीमत को ही अंकित कीमत या अंकित मूल्य कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर ग्राहक ने उसे 85% में खरीद लिया क्योंकि 15 की छूट मिल गई ग्राहक को, तो 85% में खरीद लिया, और इधर खरीद रहा है 318.75 रुपए में खरीद रहा, तो हो गया इक्वल, काटेंगे इसको और सूची मूल्य ज्ञात हो जाएगा वस्तु का, तो इसको हल करते हैं। देखिए परसेंट की 2 0 इधर, यानी 100 से गुणा, अब इस 100 से ये 2 हम छोड़कर दशमलव हट जाएगा। अब हम इसको हल कर रहे हैं, 5 से काटेंगे 17 बार और 5 से इसको काटेंगे 5 × 6 = 30, 1 = 18, 5 × 3 = 15, 3 हो गए 37, 5 × 7 = 35, 2 × 5 = 25, देखिए कट गया। अब 17 से इसको काटते हैं, 17 × 3 = 51, 12 हो गए 7, यहां से उतारेंगे 127, 17 × 7 = 119, 17 × 7 = 70 बार चलाएंगे 119 बैठे, ये कितना रह गया, 17 × 9 = 8, 18 × 5 = 17 × 85, यानी 17 से ये पूरा 375 बार कटेगा। तो वस्तु का अंकित कीमत हो गई सूची कीमत, सूची कीमत कितनी हो गई 375 रुपये। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी 375 रुपये।